बात कर ले बीजेपी कार्यालय की या जयपुर राजनाथ में अलग अलग जगह पे। जयपुर स्टूडियो से अमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी कार्यालय से हमारी सहयोगी प्रियंका जुड़ी हुई है, आसिफ जी जुड़े हुए हैं, सौरभ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आसिफ आपकी तरफ रुख करती हूँ, अभी वहां का क्या माहौल है, अभी क्या क्या ऑब्जर्व वहां पर, इंटरनल ऑब्जर्वेशन की अगर बात करें आसिफ, तो क्या समझ में आ रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, अपने कैमरा साथी से कहूंगा कि वो आपको इस गेट की तस्वीरें दिखाए जहां राजनाथ सिंह की गाड़ी इस समय पोर्च में लगी हुई है। अंदर रक्षा मंत्री या पर्यवेक्षक दल के मुख्य नेता अंदर मौजूद हैं, साथ ही साथ उनके साथ सह पर्यवेक्षक सरोज पांडे, विनोद तावड़े अंदर मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी इसी होटल के अंदर मौजूद हैं। भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पर लगाया गया, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी अंदर गई हैं, और यहाँ ये कहना होगा कि अंदर जो है वो बातचीत चल रही है। इसके अलावा कोई बड़ा नेता या बड़ा नाम यहाँ पर नहीं पहुँचा है। अगर इस समय अंदर राजनाथ सिंह मौजूद हैं, पर्यवेक्षक दल मौजूद है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी मौजूद हैं, और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे अगर इस समय अंदर मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है कि अंदर चर्चा चल रही होगी, कुछ डिस्कशंस चल रहे होंगे, उनके जरिए जो नाम सुझाए गए होंगे उन नामों को लेकर चर्चा चल रही होगी। हो सकता है कुछ ऐसे नाम जो सामने दिल्ली की तरफ से आए, उन नामों को लेकर जो है वो पूर्व सीएम की रजामंदी ना हो, तो कोई बीच का रास्ता या बीच का समाधान निकालने की चर्चा अंदर जरूर इस समय चल रही होगी। अंदर इस समय मौजूद है, कितनी देर तक ये चर्चा चलती है, क्या दूसरे नेता यहाँ पर आते हैं या उन्हें बुलाया जाता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से मुमकिन है कि अगर बातचीत स्मूथ रहती है, बातचीत फ्लेक्सिबल रहती है, बातचीत अगर पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी बड़े नेता को सूचना दी जाएगी, वो यहाँ पर होटल ललित में पहुंचेंगे। हाँ। और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा, विधायक मंडल की फिर बैठक होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ललित होटल के बाहर से बता रहे हैं कि वहां पर क्या है, लेकिन सीधे हम जयपुर न्यूज रूम की तरफ रुख करते हुए अमित जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, क्या लग रहा है आज, क्योंकि खुद वसुंधरा राजे रिसीव किए, ललित होटल में खुद मौजूद है, उस बंद कमरे में क्या बंद लिफाफे में लेकर राजनाथ सिंह पहुंचे होंगे? अमित जी, देखिए श्रुति, ये वो दिन आ गया है, अब कुछ चंद घंटे बचे हैं जब राजस्थान को अपना सीएम अगला मिलने वाला है जी। पर्यवेक्षक यहाँ पर आ चुके हैं, राजनाथ सिंह और उनके साथ में अन्य दो पर्यवेक्षक भी हैं। हम ये बात जो बार बार डिस्कशन हो रहा है कि कौन लोग उनकी अगवानी करने के लिए पहुँचे हैं, कौन नहीं पहुँचा है, वो इतना ज़्यादा महत्व नहीं रखता। वसुंधरा राजे ऑब्वियसली पार्टी के सीनियर लीडर हैं, इस वक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, दो बार के मुख्यमंत्री हैं, उनके अलावा वहाँ पर सौम्या गुर्जर भी थी, क्योंकि वो मेयर हैं, प्रथम नागरिक हैं, तो वो उनको रिसीव करने के लिए पहुँचे हैं। ये अब इसके बाद में जब यहाँ ललित होटल पहुँचे हैं, तो वहाँ डेफिनेटली इनमें कुछ बात ज़रूर हो रही होगी कुछ, लेकिन हमारा अभी भी यही मानना है कि अभी तक यहाँ पर किसी को ये नहीं पता होगा कि सीएम कौन बनने वाला है। ये बात लेकिन इतना तय है कि नाम ज़रूर चौंकाने वाला हो सकता है, जो कि हमने एमपी में और छत्तीसगढ़ में दोनों में हमने जो ये देखा कि बीजेपी अब इस तरह की पार्टी बन गई है, उसका जो केंद्रीय नेतृत्व है हमेशा इस तरीके से आपको एक चौंकाने वाली जो है डिसीजंस लेता है। हाँ। और उन्होंने एक परंपरा बना ली है, तो यहाँ राजस्थान में भी यही होने वाला है, ये माना जा सकता है। कई नाम बीच बीच में सामने आते हैं, कई तरह की बातें आती हैं, लेकिन अब कुछ ही घंटे बाकी हैं, 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी, विधायकों का पहुँचना बीजेपी हेडक्वार्टर में शुरू हो गया है, लगभग पहुँच चुके हैं, और उसके बाद में जो ही वहाँ पर राजनाथ सिंह पहुँचेंगे, इनका जो केंद्रीय नेतृत्व ने जो उनको फैसला करके दिया होगा, उसका जो डिसीजन होगा वो हमारे सबके सामने होगा। बिल्कुल अमित जी, आपसे एक सवाल है, अगर हम एमपी, आपने छत्तीसगढ़ की बात अगर की है, तो उसी के तर्ज पर हम राजस्थान को अगर समझे, छत्तीसगढ़ में ओबीसी आदिवासी समुदाय से मुख्यमंत्री बनाए गया, उसके बाद अगर हम विधानसभा स्पीकर की बात करें तो वो राजपूत समाज से है, 2 डिप्टी सीएम जो कि ब्राह्मण और एससी समाज से आते हैं, वहीं पर अगर हम छत्तीसगढ़ में आ जाएं तो ओबीसी समाज से बनाया गया मुख्यमंत्री को, उसके बाद वहां पर भी विधानसभा स्पीकर राजपूत समाज से और एक एससी समाज से डिप्टी सीएम और एक राजपूत ब्राह्मण समाज से डिप्टी सीएम, क्या इसी तरह से ही अगर हम जातियों के दृष्टिकोण से देखें, क्या राजस्थान में भी बीजेपी इसी तरह से कुछ चल रही है चाल? देखिए, राजस्थान की जो पॉपुलेशन है और डेमोग्राफी है, उसके हिसाब से जातीय समीकरण साधना हर पार्टी की मजबूरी ही और चुनौती दोनों है।
तो और जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरह के चुनाव किए गए हैं, जिस तरह से कैंडिडेट को चुना गया है, उसके बाद में एक बात बहुत सामने आ रही है कि राजस्थान में अगला सीएम जो है वो सामान्य वर्ग से हो सकता है जी। लेकिन उसके साथ में ये दो डिप्टी सीएम वाली व्यवस्था भी यहाँ देखने को मिल सकती है, जिसमें जो अन्य जातियां हैं उनको प्रतिनिधित्व दिया जा सके। क्योंकि देखिए, ये जो सीएम बनना है राजस्थान का या बाकी दो राज्यों का, ये केवल 2023 की बात नहीं है, 2024 में जब लोकसभा चुनाव में जाएगी बीजेपी तो उनके लिए इन कैंडिडेट्स की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी। तो हम ये तो इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ भी जातीय समीकरण साधते हुए अपने तीनों कैंडिडेट चुने जा सकते हैं। इवन जो स्पीकर लोग जो विधानसभा में स्पीकर का जो नाम आएगा वो भी उन जातीय समीकरणों को साधते हुए ही आने की संभावना पूरी पूरी है। अमित जी, एक और बात, क्योंकि इस बार जो वोटर्स थे वो 50 लाख से ज्यादा नए वोटर्स जुड़े, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की है। बोला जाता है कि डिप्टी सीएम महिला और युवा को भी साधते हुए बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी संभावना है इसमें। हाँ। क्योंकि युवा वोटर है, जो नया वोटर है, महिलाएं हैं। राजस्थान में पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। हाँ। है बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा रही है। बेरोजगार का जो आंदोलन चला था, उनके एक नेता को टिकट भी दिया गया था, एक अलग बात है वो चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन इसके बावजूद जो युवाओं को और महिलाओं को साधना बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और ये चीज़ भी देखी जा सकती है। ठीक है, मैं सौरभ आपके पास आते हुए, अभी क्या आप बोल रहे हैं, 80 विधायक लगभग पहुंच चुके हैं सौरभ, अभी और कितने विधायकों के आने का सिलसिला है? सोशल इंजीनियरिंग भी सौरभ। जी बिल्कुल, विधायकों का सिलसिला, आने का सिलसिला जारी है। चूंकि 115 विधायक हैं बीजेपी के, तो तमाम विधायक जो हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि कई विधायक जो हैं वो जयपुर में ही हैं, और चूंकि अभी पर्यवेक्षक जो है वो नहीं पहुँचे, इसलिए आज से यहाँ पर संभवतः अगले एक घंटे में जो है वो तमाम और विधायक जो है वो पहुंच जाएंगे। लेकिन ये बताया जा रहा है कि 80 से ज़्यादा संख्या जो है वो इस वक्त हो चुकी है। अब इंतजार जो किया जा रहा है वो पर्यवेक्षकों का ही किया जा रहा है। फिलहाल विधायक जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन्हें गुड़ खिलाकर ना सिर्फ स्वागत किया जा रहा है, बल्कि अब जो है वो लंच भी जो है विधायकों का यहाँ पर शुरू हो चुका है। पहले कहा जा रहा था कि कुछ अनौपचारिक चर्चाएं जो है वो पर्यवेक्षकों के साथ हो सकती है, लेकिन अभी ये जानकारी है कि पर्यवेक्षकों के साथ अनौपचारिक कोई चर्चा विधायकों की नहीं होगी। सीधी पर्यवेक्षक दल जो पर्यवेक्षक आएंगे और उसके बाद विधायक दल की बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। इस प्रकार की जानकारी जो है वो अंदर से निकल रही है। और यहाँ पर चूंकि अब राजनाथ सिंह यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद कर ली गई है, पूरे रास्ते जो है वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर हम मौजूद हैं। लेकिन आसिफ के पास जाना जरूरी है, क्योंकि हलचल इस वक्त ललित होटल में भी तेज है। आसिफ, कौन कौन पहुंच गया है ललित होटल इस वक्त? अभी तक स्थिति जो है वो यथावत बनी हुई है, यानी कि वही लोग अभी भी मौजूद है, पर्यवेक्षक दल अंदर मौजूद है, साथ ही साथ मैं आपको बताऊं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी अंदर मौजूद है, और अंदर जो है वो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी मौजूद हैं। अभी तक किसी भी बड़े बीजेपी नेता की गाड़ी या किसी तरह की सूचना यहां पर नहीं पहुंची है। अंदर बातचीत का सिलसिला लगातार चल रहा है, चूंकि पूर्व सीएम है, दो बार की सीएम रही हैं, कई बार राजस्थान से सांसद रही हैं, लिहाजा उनकी रायशुमारी जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। क्या कुछ चर्चा उनके साथ अंदर राजनाथ सिंह कर रहे हैं, पर्यवेक्षक दल अंदर कर रहा है, और उसके बाद में वो कौन सा नाम निकल कर सामने आता है, क्या वो कोई अपनी तरफ से नाम सुझाती हैं, या फिर जो दिल्ली से जो नाम बड़ा सवाल है उस नाम के ऊपर अपनी सहमति जताती हैं। हम ये बार बार तो चर्चा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह चौंकाने वाला नाम आ सकता है। हो सकता है कि राजस्थान में कोई चौंकाने वाला नाम ना आए। जो हम लोग संभावनाएं जता रहे हैं, जो सियासी गलियारों में हलचल है, हो सकता है उसी के बेसिस पर ही बीजेपी रिपीट कर जाए। जी पूरी तरीके से मुमकिन है। मैंने पहले भी जैसा कि लगातार कहा, सुबह से ही कह रहा हूं मैं कि कयास है ये, इन कयासों को कहाँ विराम लगेगा, ये तो शाम को जब विधायक दल चुनेगा या विधायक दल में एक नाम दिया जाएगा ये तभी पता चल पाएगा। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत हद तक मुमकिन है कि जो नाम जिन पर हम लगातार पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं, जिन नामों पर डिबेट चल रही है, सब कयास है, सिर्फ अटकलें हैं,
शाम 5 बजे तक का इंतजार करना होगा, 3 से 4 घंटे और लोगों को थोड़ा सब्र रखना होगा ये जानने के लिए कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन अमित सर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्योंकि बताया जा रहा है कि 2 डिप्टी CM के नामों का ऐलान हो सकता है, इसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप, और ये भी बताइएगा कि रेस में कौन कौन है? देखिए, पहले जो आपने सवाल किया कि 2 डिप्टी CM की संभावना जताई जा रही है, बिल्कुल जताई जा रही है, 2 डिप्टी CM हो सकते हैं। और ये इसकी जो बात निकल के आई वो इसलिए निकल के आई है क्योंकि यहाँ जातीय समीकरणों को साधना बहुत ज़रूरी है।